पसंद आया हो शायद। देखिए आज फ्राइडे ही, देखिए नमाज पे जा रहा हूँ अभी। एक्चुअली हर नमाज पढ़ते हैं, बट आपको हर जगह बार बार हर बार शो करना अच्छा नहीं था, इसलिए मैंने कहा फ्राइडे का शो करता हूँ। मैं आप लोगों को नमाज से मिलता हूँ वापस। हाँ गाइस, देखिए अभी नमाज पढ़ के आया। देखिए मैं भी मिलता हूँ आप सब से, घर को आया हूँ। हाँ गाइस, देखिए यहाँ पर, देखिए अभी, देखिए यहाँ पर बघारा खाना बना रहे। देखिए इसके लिए, देखिए यहाँ पर प्याज तेल डालिए, देखिए, और देखिए इलायची, दालचीनी और हरी मिर्ची डालिए, देखिए कोथमी भी डालिए। देखिए इसमें मैं आपको शेयर करता हूँ। एक्चुअली आज देखिए छोटे बच्चों को खाना खिलाया। देखिए हाँ गाइस, देखिए ये व्लॉग्स बनाने का मकसद, देखिए देखिए अपने आप को बिजी रखना। देखिए अपन बिजी है तो देखिए। हाँ देखिए गाइस, यहाँ देखिए चावल के हिसाब से देखिए पानी डालना। देखिए एक्चुअली देखिए चावल, देख चावल के हिसाब से आपको मालूम होगा, मेजरमेंट होगा इसका, आपको आइडिया होगा जितना पानी लगता है अपने को धन के हिसाब से डालना। देखिए हाँ गाइस, पानी डालने के बाद देखिए इसमें नमक डालना। देखिए ये देखिए ढक्कन ढाप दिए। देखिए यहाँ पर अभी आधा ना आता है, आपने वेट करना। देखिए बताता हूँ मैं आपको आगे। यहाँ देखिए अब्दुलरहमान कोंगी कर दे रहा है। देखिए बाला नहीं है तो कोंगी कर दे रहा है यहाँ पर। अब्दुलरहमान अनएक्सपेक्टेडली आ जाए थे। देखिए लोग आपको हेयर ही नहीं कदा कर रहा, कोई आपको बारह नहीं है तो की कर रहे हैं। हाँ अदा करो, अदा करो। तीत का है, तीत बताओ, तीत दिखो, तीत तीत का है, तीत दिखो, तीत तीत का है। ना गाइस, देखिए अधन आ रहा। देखिए यहाँ पर अभी, और देखिए यहाँ पर देखिए चिकन का फोरमा एंड बघारा खाना पकड़ा। देखिए एक चिकन धो रहे, देखिए अधन पे आने वाला है। देखिए अभी, और देखिए चिकन धो रहे। देखिए यहाँ देखिए खोपरा लिए, देखिए, और यहाँ पर देखिए आलू लिए, देखिए, और यहाँ पर देखिए प्याज लिए। देखिए हाँ देखिए कहीं अधन है। देखिए और देखिए यहाँ पर कहीं खोपरा भून रहे। देखिए सूखा खोपरा भून रहे। देखिए यहाँ देखिए अधन आया। देखिए अभी इसके बाद देखिए तो चावल डाल देता हूँ। देखिए मैं आपको शेयर करता हूँ आगे। यहाँ देखिए चावल धो लिए। देखिए हाँ गाइस, देखिए खोपरा भून लिया। देखिए अभी निकाल रहे। देखिए यहाँ देखिए चावल डाल रहे। देखिए देखिए चावल डाल दिए। देखिए अभी मिक्स कर रहे। देखिए अपने अकॉर्डिंगली डालना। देखिए अधन पे जैसे जैसा कि आपको राइस कुकर में पकाते हुए आइडिया होगा आप लोगों को, वही हिसाब से अपने पानी मेजरमेंट करके डालना। देखिए हाँ गाइस, देखिए यहाँ पर देखिए फली भुन रहे। देखिए अभी यहाँ देखिए फली भुन रहे। देखिए यहाँ देखिए गाइस खोपरा भून लिया। देखिए अब क्या बन रहे मम्मी, ला खच खच बन रहे। देखिए दाग जाता। देखिए 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 मेन इम्पोर्टेंट देखिए इंग्रेडिएंट है। देखिए ये कोरमे के लिए खचखच, देखिए खचखच, देखिए खचखच है कि फ्रिज में रखना। देखिए लॉन्ग टाइम चलता। देखिए यहाँ पर प्याज भून रहे। देखिए तो आप तेल डाल के भूनना। देखिए प्याज देखिए गाइस यहाँ पर प्याज चल भूल रहे। देखिए थोड़ा क्या बोलते एकदम डल होना। देखिए प्याज लाइट रेड ब्राउन होना, देखिए कलर होना। ऊपर देखिए खाना पकड़ा। देखिए बघारा खाने के लिए एक्चुअली देखिए मासूम बच्चों को खाना खा रहे हैं। देखिए एक्चुअली ये वीकली में एक बार खिलाते हैं। यहाँ देखिए क्योंकि घर में बकर थी। देखिए यहाँ देखिए प्याज भूल रही। देखिए 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 यहाँ पर देखिए खाना पक रहा है। देखिए अभी और यहाँ प्याज भुनेगा। देखिए एकदम खरीब हो गई। देखिए प्याज सोहन फ्री फायर खड़ा रखो। सोहन हो गया फ्री फायर कस्टम। हाँ चेक करते रहना। देखिए ऐसा एक एक बार मिलो चेक करना। देखिए पकाने पकन चेक करना एक बार।
यार देखिए फाइनली देखिए पकड़ रखना, देखिए दम से रख रहे, फाइनली पक गया, देखिए दम के लिए रख रहे, देखिए अभी देखिए गाइस दम करने के लिए, देखिए बताता हूँ मैं आपको, बोलता हूँ देखिए यहाँ देखिए ऐसा कवर करना, देखिए प्लेट को पहले चेक कर लेना, देखिए गाइस तभी भी देखिए सर ढक्कन और टैंक पुलाते हैं तो ऐसा दस्तरखान रख के रखना, देखिए कि अपना भाप नहीं निकलती, देखिए बाहर अच्छा से दम होता, देखिए और धीमा है, और कुछ भी वेट रख दीजिए देखिए इसके ऊपर, कुछ वेट रख दीजिए देखिए इसके ऊपर। हाँ गाइस देखिए यहाँ प्याज भूलिए, देखिए वहाँ खचखच भूलिए, देखिए प्याज और सॉरी यहाँ पर देखिए कोपरा को भूलिए, देखिए और यहाँ पर देखिए पल्ली भूलिए, देखिए अब्दुलरहमान खाने का से ट्राई कर रहे हैं, अब्दुलरहमान अदा करो, अदा करो, इधर इधर अदा करो, बस सर अब्दुलरहमान हो गया आपका, हो गया खचखच पीस लेना, देखिए पहले देखिए खचखच पीस लिए, देखिए इसके बाद देखिए, अब देखिए इसके बाद देखिए क्या बोलते हैं खोपड़ा डाले देखिए पीसने के लिए, देखिए पानी डालते हैं पीसना, देखिए यहाँ पर देखिए इतना देख पीसना, देखिए थिकनेस देखिए आप लोग, देखिए थिकनेस देखिए, इलायची पीस लेना देखिए इसमें के लिए, ये देखिए खोपरा पीस लिए, देखिए गाइस यहाँ पर देखिए प्याज पीस रहे, देखिए देखिए प्याज पीस रहे, देखिए नहीं ऐड कर लेते पीसना, देखिए अगर आप देखिए अब्दुल्ला गाइस यहाँ पर खोपरा फल्ली प्याज खसखस पूरा पीस लिए, देखिए अब देखिए एक गिलास दही, देखिए फेट लेना, देखिए देखिए एक गिलास दही फेट लेना, देखिए लाइट एक मिक्सचर करते बस है दम हो गया, देखिए खाने के बाद आए देखिए 10-15 मिनट के बाद देखिए हो गया खाना, पर देखिए आलू तल रहे, देखिए अभी देखिए आलू तलने के लिए देखिए तेल डालिए, देखिए यहाँ पर इसके बाद देखिए आलू डालना, देखिए यहाँ देखिए आलू तल रहे, देखिए यहाँ पर अभी इसी डालना में सीखो ना, देखिए गाइस ऐसा आलू देखिए लाल ऐसा भुनना, देखिए तेल में यहाँ देखिए आलू निकाल रहे, देखिए अभी देखिए हम चिकन भुन रहे, देखिए चिकन डाल रहे, देखिए यहाँ पर
इनका खोखा बना रहे देखिए अभी। चिकन डालने के बाद देखिए यहाँ पर देखिए हरी लाल मिर्ची डालना, देखिए अपने अकॉर्डिंगली इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं। देखिए आपको स्पाइसी हो तो थोड़ा स्पाइसी थोड़ा बढ़ा देना, देखिए मिर्ची हरी मिर्च लाल मिर्ची। अब इसके बाद देखिए अदरक लहसुन डालना, देखिए घर का पिसा हुआ है, देखिए अदरक लहसुन के बहुत बहुत पेशेंस का काम था देखिए पकाना बोलते। और इसमें देखिए खैर थोड़ी हल्दी डालना, देखिए ये मिलाना देखिए। अब अच्छा चिकन पकना, देखिए अभी पकने के बाद पानी छोड़ना, देखिए चिकन जब तक अपन पकाना, देखिए इसको और साथ में देखिए तेल वो सॉरी लाल मिर्ची और वो भी पक जाता, देखिए साथ में इसके बाद बोलता हूँ मैं। हाँ देखिए सब अब रख रहे देखिए पकने के लिए एक पाँच दस पाँच मिनट के बाद देखेंगे आफ्टर फाइव मिनट देखिए मिलाते रहें। देखिए चिकन अच्छा थोड़ा पकने के बाद मिर्ची पकने के बाद देखिए मिलाना, देखिए हाँ गाइस जो मसाला जो पीसे थे देखिए पूरा डाल देना, देखिए इसमें जो भी हम पूरा पीसे थे देखिए अभी वो पूरा डाल देना, देखिए इसमें ये अच्छा भुनना, देखिए इसके बाद आपको बताता हूँ मैं। थोड़ा भी ज़्यादा निकलना, देखिए थोड़ा पानी देखिए इसमें थोड़ा साफ देखिए मिलाना, देखिए ये अच्छा मसाला भूनते रहना, देखिए दो दो मिनट के बाद चेक करते रहना, तो नीचे पकड़ लेता, देखिए अच्छा दिखा, देखिए कलर में आपको टेस्ट बोल दो मैं खाए क्या बोलते। देखिए गाइस अभी देखिए मसाला अच्छा भुनना, देखिए अपन मसाला भुनने के बाद जो दही पीस लिए थे वो दही डाल दो, देखिए अच्छा देखिए 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 यहाँ पर देखिए अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नहीं, देखिए नमक डालना, देखिए थोड़ा कम दिखा तो फिर डाल रहे देखिए नमक मिर्ची देखिए मिर्ची नमक देख लेंगे अपन ऐड कर सकते, देखिए अभी ये टाइम पे और कम दिखा तो आप ऐड कर लेना, देखिए देखिए स्वास्थ्य मिर्ची है, देखिए कलर अच्छा था, देखिए इससे देखिए दालचीनी ऐड कर रहे, देखिए यहाँ देखिए लौंग कापसी डाली, देखिए तीन और देखिए यहाँ पर देखिए काली मिर्ची चार पांच डालना, देखिए यहाँ देखिए भुनना, देखिए खुशबू तो मस्त आ रही, देखिए भुनना देखिए ऐसा जो नीचे दाग लग जाता, देखिए दो मिनट के ऊपर चेक करते रहना, देखिए पकने के बाद दही डालना, देखिए अभी डालना दही अच्छा भुनने के बाद थोड़ा उछलता, देखिए देखते मत थोड़ा सेफ्टी नहीं पकड़ना, देखिए और अपन थोड़ा चौड़ा पकड़ा लेना, देखिए हाँ गाइस देखिए इसके बाद देखिए आलू डालना, देखिए मसाला अच्छा से पक के बनने के बाद आलू डालना, देखिए इसके बाद में देखिए आलू डालने के बाद देखिए दही डालना, देखिए जो पीस लिए थे देखिए दही को भी अच्छा पका लेना, देखिए थोड़ा पकने के बाद आपके टेक्निक के हिसाब से देखिए इसमें पानी ऐड कर लेना, देखिए और कितना गाढ़ा होना कितना पतला होना, देखिए अपने खट्टा अगर ज़्यादा होना बोलो नींबू दो डालना है बोलो एक भी डालते चलता, देखिए देखिए नींबू नहीं छोड़ रहा, देखिए अगर आपका ज़्यादा खट्टा रहा तो नहीं डालना, देखिए अगर नॉर्मल दही है तो देखिए आप नींबू नहीं छोड़ना, देखिए इसमें अब देखिए गाइस देखिए यहाँ पर देखिए अंडा, देखिए ये 10 मिनट तक आपको हाई एंच पे रखना, बीच में देखते रहना, देखिए पक मिलाते रहना, देखिए ये अंडा देखिए यहाँ पर अभी पकाना, देखिए अंडा देखिए तेल छोटे तक ऐसे मिलाते रहना, देखिए नीचे पकड़ लेता, देखिए अब खोरमा अंडा देखिए अभी फाइनल होने पर, देखिए अंडा देखिए अभी 10 मिनट देखिए धीमे एंच पे रखना, देखिए फाइनली देखिए खोरमा रेडी हो गया, देखिए
आई होप आपको ये वीडियो पसंद आ जाएगा। इसी तरह देखिए, मैं वो नेक्स्ट वीडियो मिलता हूँ आप लोगों से।